योगी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने की लाख कोशिश कर ले, बावजूद इसके सरकारी महकमे के बाबू की सरकार की कोशिश पर पानी फेरने में लगे रहते हैं। ताज़ा मामला अंबेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुर से सामने आया, जहां स्कूल में तैनात शिक्षिका कंचन शर्मा ने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक सुधीर श्रीवास्तव पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल कंचन शर्मा का कहना है कि मुझे बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके लिए कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार आश्वासन मिला है। और अब तो विभाग के ही सहायक अध्यापक सुधीर वेतन रिलीज करने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। समस्या ये है सर कि 5 महीने से मेरा वेतन रोका गया है और मेरी पहली ज्वाइनिंग यहाँ 21 मार्च 2016 की है और मूल निवासी मैं प्रतापगढ़ की हूँ और 5 महीने से मेरा वेतन रोका गया है। इसकी शिकायत मैं BSC महोदय से लिखित और मौखिक रूप से कई बार जाके कर चुकी हूँ, लेकिन BSC महोदय हमको डांट के भगा देते हैं। और जितने लोग स्टे ऑर्डर लेके आए हैं सबका वेतन रिलीज हुआ है और सब लोग 25,000 रुपए भी दिए हैं और हमसे कह रहे हैं कि 25,000 रुपए आप दीजिए तो आपका वेतन तुरंत रिलीज हो जाएगा। जब इसकी शिकायत हम जाके BSC सर के पास कहे तो BSC सर कह रहे हैं सुधीर श्रीवास्तव से तो मैं कहा था मिलने के लिए, आप उनसे मिली? तो हमने कहा सर हाँ आप तो कहे थे, लेकिन सुधीर श्रीवास्तव हमसे कह रहे हैं कि 25,000 रुपए दीजिए, तो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है। तो हम कहे सर वो तो ऐसे कहे, रिटर्न भी दीजिए, तो हम रिटर्न भी दिए। तब भी आज तक वो मेरी समस्या नहीं सुन रहे हैं ना इस बात का उनको, जब हमने कहा कि 25,000 रुपए हम नहीं देंगे सर, कैसे कहाँ का लगेगा 25,000 रुपए, तो कहें ठीक है ठीक है ठीक है लिख के दे दीजिए, लेकिन वो 25,000 रुपए हम नहीं दिए इसीलिए मेरा वेतन रिलीज नहीं हुआ। बता दें कि प्रतापगढ़ की रहने वाली शिक्षिका कंचन की बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर 2016 में अंबेडकर नगर जिले में तैनाती हुई थी, जहां उसे कटेहरी शिक्षा क्षेत्र के तिवारीपुर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति मिली। शिक्षिका अपने घर परिवार से दूर आराम से नौकरी कर रही थी कि अचानक विभाग उसके पीछे पड़ गया और समायोजन के नाम पर कंचन को इस विद्यालय से हटाकर ऐसे विद्यालय में भेजना चाहा जहां आने जाने का कोई साधन नहीं था, जिसको लेकर उसने आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कंचन लखनऊ हाई कोर्ट की शरण में चली गई, जहां उसके ट्रांसफर पर तो रोक लग गई, लेकिन वही अब कंचन के लिए परेशानी का सबब बन गई और बीते 5 महीनों से कंचन बिना वेतन के नौकरी कर रही है। यूं तो सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाख कोशिश कर रही है, शिक्षा विभाग की ये दशा देखकर कहीं न कहीं सरकार के दावे पर सवाल खड़े होते हैं। अब प्रशासन कब तक इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबेडकर नगर से कार्तिकेय चंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।